Yes, we are from Raisen Public School, and today's chapter first is in class 8 social science, and name of chapter how, when, and where means हम क्या कर रहे हैं chapter में. इस chapter में हमको जो है human beings के बारे में information पता करना है कि हम पहले कहाँ थे, ठीक है, हम पहले कैसे थे और हम तब किस तरह से धीरे धीरे आगे चल के हम में इम्प्रूवमेंट आया, ठीक है. इस चैप्टर में हमको ये चीजें सब पढ़ना है, ठीक है. चलिए ओके, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं. देखिए यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन है ना, मीनिंग, कास्ट सिस्टम, कैरेक्टर, नेम, जेम्स रेनल, ब्रिटेनिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, history is referred to as span of time, correct criteria to set in set of dates, Warren Hastings criteria of periodized to the British rule, Indian history, time notation, change of modern period, colonial, ठीक है. और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं. sources of writing history and what official record do not tell means ऐसी उसके अलावा जो official record नहीं बताता है वैसी चीजें भी हम आज इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है. चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं. हाँ, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री. हम सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री. हम हिस्ट्री तो हम सब जानते हैं, जो पीछे हो चुका है. The past is known as history, ठीक है. इन्होंने डेफिनेशन क्या दी है, history is the study of past event, ठीक है. जिस भी हम past की event के लिए क्या करते हैं, study करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम history कहते हैं. much more than memorizing dates, उसमें हमको क्या करना पड़ता है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ dates को सिर्फ memorize कर लें और वो history हो जाएगा, हमें उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना भी जरूरी है. वो आखिर हाउ डिड इट हैपन मींस हमें हिस्ट्री में ये पता होना चाहिए क्या करिए कि कैसे हो गया, व्हेन डिड इट हैपन ये कब हो गया, एंड वेयर डिड इट हैपन और आखिर ये कहां हुआ था. तो ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर हैं, है ना. इन्होंने हिस्ट्री की डेफिनेशन को यहाँ पर इसमें भी शो किया है. इवेंट्स मींस व्हाट हैपेंड, ठीक है. प्लेसेस वेयर इट हैपेंड, on which date it happened, and who was in this event, name of these things, and the leaping life. यहाँ पर और क्या है, ये जो facts हैं, learning facts, कौन से facts हैं, learning facts जो हैं, उनको याद होना चाहिए. हम थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं. देखिए मीनिंग ऑफ हिस्ट्री पर चल रहे हैं. हिस्ट्री इज अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम. व्हाट इज हिस्ट्री, समय के अनुसार जो चीजें बदल रही हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं. दैट इज फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, हम किसी भी चीज का पता करते हैं कि आखिर वो पुराने जमाने में किस तरह की थी, एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड और आखिर ये चीजें कैसे बदल गई हैं. इन सभी का सभी को एक साथ हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं. यहाँ पर एक डायग्राम देखिए, चीनी व्यक्ति है, चीनी पर्सन है, द सेकंड एम्परर ऑफ चाइना. कौन थे ये, ज़ेन नग. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले टी को खोजा था. व्हेन टी लीव्स ब्लो इनटू हिज कप ऑफ हॉट वाटर और सो द स्टोरी गोज, ठीक है. जब इनके गर्म कप में हॉट की पर जो चाय की जो पत्तियां हैं जब उसमें गिरी थी, तो फिर क्या हो गया था, तो फिर इनको बहुत आनंद की प्राप्ति हो गई थी. इससे इसके बाद स्टोरी हमको पता है. एक यहाँ पर क्या दी है, यहाँ पर टी की हिस्ट्री दी है कि आखिर टी जो है वो चाइना में डिस्कवर हुई और फिर आगे चल के जब वहां के जो एम्परर थे, है ना, एम्परर कौन थे, ज़ेन नंग, ठीक है. इन एम्परर ने जब उस चाय की पत्तियों को पिया, ड्रिंक किया, तो उनको बड़ा सा मजा आया और उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने इस चाय का टेस्ट लेना चालू कर दिया और चाय को आज भी हम
बहुत मजे से पिया करते हैं, ठीक है। जिसके घर में जाते हैं उसमें चाय जरूर हमको मिला करती है, हम सब जानते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। कास्ट सिस्टम इन हिंदू, जो हिंदू हैं, हिंदुओं ने अपने आप को 5 मेजर कास्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है, कर दिया था। देखिए कैसा है, सबसे पहले है ब्राह्मण, इसको प्रेस्ट कहते हैं, जो कि पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, ठीक है, और ये पूजा पाठों में लिप्त हुआ करते थे, भगवान की पूजन वगैरह ये करते थे। ग्रंथों को ये अपने पास करते थे, ग्रंथ पढ़ने की अनुमति उस समय नहीं थी, ये हम हिस्ट्री पर है। दूसरे हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब ऐसे लोग थे जो कि सिर्फ लड़ाई लड़ाई करने के लिए इन्वॉल्व होते थे, मतलब क्षत्रिय थे वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करने के लिए जाते थे, मतलब ब्राह्मण लोग, वैश्य लोग, शूद्र और दलित, ये जो चारों थे, बाकी वो लड़ने के लिए युद्ध के लिए नहीं जाते थे। और एक ऐसा माना जाता है कि भारत के पराधीन होने में इसका भी कारण है, क्योंकि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और दलित ये लोग तो लड़ते नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते थे, कि इनको कोई मतलब नहीं था कि कोई चीज कौन सा राज जीत रहा है, कौन सा राज हार रहा है। फिर वॉरियर्स के रूप में सिर्फ क्षत्रिय हुआ करता, क्षत्रिय को मर जाने के बाद में फिर वो राज्य और किसी के अधीन हो जाता था, बाकी लोग जो थे उसके दास बन जाया करते थे, ठीक है। तो ऐसा दूसरी जो कास्ट है वो है क्षत्रिय। तीसरी है वैश्य। वैश्य एक ऐसी कम्युनिटी रही थी जो कि सिर्फ बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ करती थी, जो सिर्फ व्यापार क्षेत्र में लगा करती थी। और दूसरे कौन थे, उसके बाद थे शूद्र। शूद्र ऐसे लोग थे जो कि सर्वेंट के रूप में काम करते थे, जो कि वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के यहाँ पर काम करने वाले जो लोग थे उनको शूद्र कहा था। और फिर थे दलित। दलित एक ऐसी कैटेगरी थी जिसको लोग टच नहीं करते थे, जो कि मंदिरों में नहीं जा सकते थे, जो कि कोई भी ऐसा जो बड़ा काम था, जो ऊंचा हुआ ऊंचा काम था, ठीक है, वो लोग नहीं कर सकते थे। और ये लोग ऐसे लोग थे जिनको भी कोई टच नहीं करता था, ठीक है, इनको लोग बाग इनके साथ में छुआछूत का व्यवहार भी करा करते थे, ठीक है। देखिए हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। भारत को खत्म करने में, भारत को गुलाम बनाने में 5 इस तरह की ये जो हिंदुइज्म के जो कास्ट सिस्टम है ये भी जिम्मेदार रहा है। हाँ, नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं जेम्स रनल की। He was born in December 3, 1752 में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु जो है 1830 में 29 मार्च को हो गई थी। He was a leading British geographer, ठीक है, वो क्या थे, बहुत अच्छे से जियोग्राफर थे, ब्रिटिश जियोग्राफर थे, ठीक है। और हाँ देखिए, हाँ, He was leading British geographer, 1 मिनट, हाँ, of his time he constructed the first nearly accurate map of India, उन्होंने सबसे पहला इंडिया का बहुत एक्यूरेट मैप उन्होंने ही बनाया था। He joined East India Company and became the surveyor general of Bengal, ठीक है, और बाद में क्या बन गए थे, ये बंगाल के सर्वेयर जनरल बन गए थे 1764 से 1777 तक, ये उस पद पर रहे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ब्रिटानिया ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको ब्रिटानिया नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश कंपनी फॉर्म्ड इन द 1600 दिसंबर 31 में, है ना, कंपनी बनी गई थी, किसने बनाई, रॉयल चार्टर ने इसको इनकॉर्पोरेट किया था, ठीक है, बनाया था, ठीक है। और क्या था, स्टार्टेड एज अ मोनोपोलिस्टिक ट्रेडिंग बॉडी, कंपनी बिकेम इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिटिक्स एंड एक्टेड एज एन एजेंट ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया फ्रॉम अर्ली 18th सेंचुरी टू द 19th सेंचुरी। मतलब एक ऐसी कंपनी बनी थी 1600 कंपनी जो कि पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल जो फैसले हुआ करते थे उनमें भी इन्वॉल्व हुआ करती थी, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ कंपनी इन चाइना इन द 19th सेंचुरी ऑल्सो सर्व्ड एज द कैटलिस्ट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हियर। मतलब ये जो कंपनी थी ये
जो थी ब्रिटिश को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसका एक्सपेंशन करने के लिए भी ये जिम्मेदार रही थी, ताकि ब्रिटिश लोग जो हैं वो पूरे भारतवर्ष में फैल जाए और यहाँ तक कि चाइना में भी इनका साम्राज्य स्थापित हो जाए। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर ऑफिशियल ईस्ट इंडिया कंपनी राइडिंग इन एन इंडियन प्रोसेशन, वो इंडियन प्रोसेशन को चला रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं। ठीक है, और देखिए पूरे जो पीपल्स हैं वो इसके साथ में चल रहे हैं। हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देखिए हिस्ट्री इज रेफर्ड टू द स्पान ऑफ टाइम। हिस्ट्री क्या बताती है? हिस्ट्री बताती है कि किसी चीज को कितना समय हो गया है। वी कैन नॉट डिटरमाइन इट्स स्पेसिफिक डेट, हम एक विशेष डेट तो नहीं बता सकते हैं। व्हेन द ब्रिटिश रूल वाज स्टार्टेड एज इट हैपेंस ओवर द स्पान ऑफ टाइम, कि बहुत सारा समय हो गया है, तो स्पेसिफिक डेट यहाँ पर नहीं आ सकती। लेकिन एक चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रिटिश पीपल्स यहाँ पर हैं। ठीक है, कैलेंडर है और जो कि प्रिंटेड है, ठीक है, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर कॉफी एंड टीज प्रोविजंस, ठीक है, यहाँ पर एक कैलेंडर भी बनाया है। ठीक है, कैलकाटा का है, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। सी द एनवायरमेंट, सिमिलरली वी डेवलप ए टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग टी ओवर ए पीरियड, और इस समय हमने टी और कॉफी का टेस्ट जो है पता कर लिया था। ठीक है, सी द एडवर्टाइजमेंट ऑन द राइट, यू कैन सी दिस इज एडवर्टाइजमेंट ऑफ टी एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ कॉफी ऑल्सो हेयर। ओके, यू कैन सी दिस इज द कॉफी कॉफी एड एंड दिस इज व्हाट टी एड। ओके, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, द पास्ट वर्सन प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिस्ट्री। अब ये जो है पहले से पास्ट से प्रेजेंट की हिस्ट्री को हमको यहाँ पर क्या करना है, कंपेयर करना है। द अर्लियर हिस्ट्री वाज एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम ऑफ डेट्स, दिस वर्क बिकॉज हिस्ट्री यूज टू कीप ट्रैक ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स। हमें हिस्ट्री को पता करने से जरूरी है कि हिस्ट्री जो अपने अपने साथ में उन बहुत सारे महायुद्धों का इतिहास रखा करती है जो कि इस भूमि पर हो चुके हैं। एट प्रेजेंट हिस्ट्री इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट व्हिच इंक्लूड्स हाउ एंड व्हाट कॉन्सेप्ट, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो कैसे और कब हुआ था ये कॉन्सेप्ट अपने अंदर रखा करती है। और क्या है, फॉर एग्जाम्पल हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, है ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर कि आखिर पहले के जमाने में किस तरह से लोग अपना अपना अपने आप को पैसा कमाते थे, किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। हमें पता करना है तो हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। व्हाट डिड दे प्रोड्यूस टू ईट एंड ईट, आखिर वो क्या उगाया करते थे और वो क्या खाया करते थे। ये सभी चीजें हमको जब भी हम पता करने की कोशिश करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हिस्ट्री में अंदर जाना पड़ेगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया टू सिलेक्ट ए स्टेट, सिलेक्ट ए डेट ऑफ ए सेट ऑफ डेट्स। देखिए डेट्स बिकम इंपोर्टेंट व्हेन वी एज्यूम दैट ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट इज इंपोर्टेंट। डेट तब बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है जब हम एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात करते हैं तब। ठीक है, मोस्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन, जो अधिकतर इंडिया की हिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखी गई है। मतलब ये है कि उनको जो लगा उन्होंने लिखा, लेकिन सच्चाई हम तक पहुंची ही नहीं। ठीक है, अब देखिए द हिस्टोरियन स्टार्टेड राइटिंग विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड द लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये जो हिस्ट्री थी ये कहाँ से चालू हुई थी, ये जो हिस्ट्री है ये कहाँ से चालू हुई थी, ये वॉरेन हेस्टिंग्स से चालू हुई थी और एंड हुई थी लॉर्ड लॉर्ड माउंट बेटन ने, जो कि स्वतंत्र भारत के आखिरी वाइस रॉय रहे थे। ठीक है, इनके बाद पद से हट गए थे और फिर इंग्लैंड चले गए थे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया इन 1773। वॉरेन हेस्टिंग वाज अ कॉम्पिटेंट ऑनरेबल एंड एंड फार साइटेड एडमिनिस्ट्रेटर हुज पॉलिसी सम बैठती हैं अपनी बड़े साइलेंट डेसिसिवली सेव्ड एंड स्टेबलाइज फ्यूचर एंग्लो इंडियन रिलेशंस। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे बहुत ही कैसे थे, सम्मानीय व्यक्ति थे, लेकिन इनसे लोग बाग डरा करते थे।
इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था बहुत जबरदस्त रहा था, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक इस तरह से एंग्लो मींस अंग्रेज और इंडियंस के बीच में रिलेशंस उन्होंने अच्छे बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन मेड हिम द सब्जेक्ट ऑफ इम्पीचमेंट एंड ट्रायल ऑफ इन ग्रेट ब्रिटेन, मतलब इन्हीं के कारण जो ब्रिटेन है उसका नाम ग्रेट ब्रिटेन के नाम से लोग जानने लगे थे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स का फोटो लगा हुआ है, ठीक है, 1732 एंड 1818 में। नेक्स्ट देखिए क्राइटेरिया ऑफ पीरियडाइज, हम बात कर रहे हैं जेम्स मिल की, ठीक है। 1817 में स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट रहे थे एंड पॉलिटिकल फिलोसफर भी रहे थे, उनका नाम क्या था, जेम्स मिल था। पब्लिश ए बुक ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मींस ब्रिटिश का इंडिया में उनका इतिहास, ब्रिटिशर्स का इंडिया में इतिहास। इन दिस बुक द इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड्स, ठीक है, हिस्ट्री को उन्होंने तीन कास्ट में डिवाइड कर दिया। पहली कास्ट कौन सी थी, हिंदू, दूसरी कास्ट थी मुस्लिम्स, और थर्ड कास्ट थी ब्रिटिश, मींस ब्रिटिशर्स को उन्होंने डिवाइड किया था, ठीक है। हम मतलब इन्होंने क्राइटेरिया कर दिया था। आगे देखिए प्रीवियस टू ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से पहले क्या था, बिफोर द ब्रिटिशर्स टुक ओवर इंडिया, जब इंडिया पर भारत में ब्रिटिशर्स नहीं थे तब क्या था, देयर वर हिंदू एंड मुस्लिम रूलर्स, उस समय हिंदू और मुस्लिम रूलर्स थे who used to exploit India, जो क्या कर रहे हैं, इंडिया को बहुत तेजी से खा रहे थे, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते थे, ठीक है। फर्दर मोर इंडिया स्ट्रॉन्गली बिलीव इन कास्ट सिस्टम, और उस समय इंडिया में बहुत तेजी से कास्ट सिस्टम बहुत एक बहुत बड़ा रूप ले चुका था, मल्टीपल रिलीजन्स, कई सारे रिलीजन्स थे, कई सारे सुपरस्टिशंस थे, ठीक है, मींस बहुत सारे अंधविश्वास भारत में जन्म ले चुके थे और बहुत सारे धर्म बन चुके थे। जेम्स मिल फेल्ट दैट ओनली ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज द इंडियन एंड टीच देम मैनर्स आर्ट एंड लॉ, उस समय जेम्स मिल ने ये सबको बताया कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूल ही इंडिया को सभ्य बना सकते हैं, ठीक है, उसको पढ़ा सकते हैं, और उसके अंदर मैनर मतलब जानते हैं काम करने के तरीके, आर्ट मीन्स कला और नियम कानून सिखा सकते हैं, कौन, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूल ही ऐसा कर सकते हैं, ये किसने कहा था, जेम्स मिल ने ऐसा कहा था। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री क्लासिफिकेशन, हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की, तो हम 4000 बीसी से लेके 500 एडी तक चले जाते हैं, मींस भारत का इतिहास बहुत पुराना रहा है, ठीक है। एंशिएंट पीरियड देखे, यहाँ पर कुछ डायग्राम्स बना है, The collapse of Roman power in Western, ठीक है, और क्या है, Renaissance and Reformation and medieval periods, ठीक है, next है medieval and third one is the modern history, ठीक है, present से 1500 AD से लेके present अभी तक history का modern history है, medieval history start from 500 AD to AD 1500. Modern history start from 1000 to till now. यहाँ तक कि आज का जो आज की जो development हो चुका है, क्या करते हैं? Okay, हम थोड़ा सा करते हैं। देखिए यहाँ पर time notation है ना? यहाँ पर time notation है। The term Anno Domini AD. Anno Domini means AD and before Christ means BC are used to level a number of years in the Julian and the Gregorian calendars जो होते हैं, उनमें AD और BC का use किया जाता है। AD means Anno Domini, ठीक है, Anno Domini, और BC means before Christ, ठीक है। The term Anno Domini is the medieval Latin, कौन सा term है ये? ये medieval Latin term है, means in the year of Lord. कौन से लॉर्ड के ईयर में, जब लॉर्ड का समय आ गया था, कौन थे लॉर्ड, लॉर्ड थे क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट, ठीक है, उनके समय में, ठीक है। और इसके बाद में बीसी मींस बिफोर द
बिफोर द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मीन्स लॉर्ड के आने से पहले, जीसस क्राइस्ट के आने से पहले, मीन्स बीसी, ओके, बिफोर क्राइस्ट एंड एपोच यूज डेटिंग ईयर्स प्रियर टू द एस्टिमेटेड बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, ओके, इन्होंने ऐसा हम एडी और बीसी में जानते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिए एनो डोमिनी, ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इन मॉडर्न पीरियड चेंज टू कॉलोनियल, मॉडर्न पीरियड इज रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड द growth of all forces of modernism, but under the British rule, peoples were not getting modernized. Modern period से पहले people जो modernized नहीं थे, ठीक है, लेकिन British rule में आने के बाद धीरे धीरे उनको modern होते चले गए. Under the British rule, peoples were not getting modernized. Therefore, the name changed to the colonial period. उस समय modernized हो नहीं पाए तो period को उन्होंने क्या नाम दे दिया था? Colonial period नाम दिया था. When the subjugation of the country by another lead to the political, economic and social cultural changes is in the process of colonization. Means इस पूरे समय में उन लोगों में politically change आया, economic change आया, means उनकी स्थितियां भी, उनके स्थिति भी अच्छी होती चली गई, social change भी आया, उनमें cultural change भी आ गया, और धीरे धीरे उनके process को क्या नाम दिया गया? Colonization नाम दिया गया. हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. सोर्सेज ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, अब हम बात करते हैं लिखने वाली हिस्ट्री की. द सोर्सेज दैट हिस्टोरियन यूज्ड इन राइटिंग अबाउट लास्ट 250 इयर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री इंक्लूड्स, ऐसा माना जाता है कि पिछले 250 सालों से हम लोगों ने लिखना चालू किया इंडियन हिस्ट्री के बारे में. ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द ब्रिटिश एक्ट ऑफ राइटिंग वाज क्रूशियल, सो एवरी प्लान पॉलिसी एग्रीमेंट इट वाज इन राइटिंग. मींस उस समय राइटिंग पॉलिसी आ गई थी, सब चीजें हमको क्या करना पड़ेगा, एवरीथिंग हमको राइट रिटर्न में देना पड़ेगा, कोई भी काम नॉर्मली वैसा नहीं था, ठीक है. हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं. Sources of writing history पर थी हम लोग, पीछे क्या था भाई, ओके, ब्रिटिश also kept the document preserved in the record of Britain, क्या करने लगे थे, एक record room में documents preserved करने लगे थे, और क्या, moreover these documents were written by the calligraphist, एक calligraphist जो होता था वो इस documents को लिखा करता था, और वो भी who special वही लिखा करते, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, ठीक है. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इन दिल्ली 1920 की दिल्ली, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, राष्ट्रीय अभिलेखाकार, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इट इज अ रिकॉर्ड रूम वेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स लेटर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव बीन अरेंज्ड एज पर द डेट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी से लेकर आज तक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी यही राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे हुए हैं, जो कि उस समय से जमा करते हुए हम आ रहे हैं, रखते हुए आ रहे हैं. हम थोड़ा सा आगे हैं. हाँ देखिए नेक्स्ट क्या है, द सोर्सेज ऑफ राइटिंग हिस्ट्री की हम बात, कंडक्टिंग सर्वेज, है ना, हमने क्या किया था, फिर कंडक्टिव सर्वेस को कंडक्ट किया, कंडक्टिव सर्वेस वर कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कंडक्टिव सर्वे कैसा था कि कॉमन था, इसमें कॉलोनीज जो थी उनका सर्वे किया जाता था. ब्रिटिश बिलीव द कंट्री हैड टू प्रॉपरली नॉन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब ब्रिटिश ऐसा मानते थे कि हमें यदि किसी जगह काम करना है, किसी कंट्री में भी हमको वहां पर प्रॉपर तरीके से काम लोगों से लेना है, तो हमें उनके बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है. बट अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वे वाज बीइंग कैरिड आउट टू द मैप ऑफ द एंटायर कंट्री, और 19वीं शताब्दी में सबसे पहले पूरी के पूरे देश का एंटायर सर्वे हो गया हुआ था. फॉर एग्जांपल द फॉरेस्ट सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, और भी कई प्रकार के सर्वे भारत में हुए थे. थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं. हाँ देखिए, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड
डू नॉट टेल, कई सारी ऐसी भी चीजें रही हैं जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं कही गई हैं। द रिकॉर्ड डू नॉट टेल व्हाट अदर पीपल्स इन द कंट्री फेल्ट, मतलब और लोगों के बारे में ध्यान नहीं रखा गया, लोग क्या सोचा करते थे कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए लोगों के बारे में नहीं सोचा गया था। नेक्स्ट क्या है, ओनली डायरीज ऑफ पीपल, मतलब ऐसे लोग जो अपने डायरीज लिखा करते थे या जो ट्रेवलर्स थे जो कि कहीं दूर से यात्रा करके आते थे, ठीक है, और वो जो लिख देते थे वही उसी चीज को सही मान लिया जाता था। ऑटोबायोग्राफीज जो थी, लोगों की खुद की अपनी जो बायोग्राफीज थी उनको इम्पोर्टेंस दिया गया। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज जो थी, जो बड़े बड़े लोग थे उनकी उनके लिटरेचर को उन्होंने हमने मान लिया और उसको हमने सच मान लिया, लेकिन लोकल लोगों के बारे में उनकी आवाज सुनी नहीं, उनको हमको पता ही नहीं कि आखिर उस समय के जो भारत था उस समय के भारत के लोग क्या सोचा करते थे, उनकी एक्चुअल स्थितियां क्या थी, क्या कंडीशन थी, उनके साथ क्या हुआ था, क्या होता था, किस तरह से व्यवहार हुआ करता था और किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अधिकार जमा कर रखती थी, ये हमने उनसे नहीं सुना, ठीक है। मतलब जो बड़े बड़े लोगों ने इतिहास बना दिया हम वही उसी उसी इतिहास को पढ़ते रहे। नो रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री अवेलेबल फॉर द ट्राइबल्स पीजेंट्स वर्कर्स और द पुअर्स, मतलब जो ट्राइबल्स लोग थे, जो पीजेंट्स लोग थे, जो वर्कर्स लोग थे और या फिर जो बहुत ज्यादा गरीब व्यक्ति थे उनका इतिहास हमको पता ही नहीं है, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ओके, थैंक यू।